खरगोन जिले में बीते दिनों पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी थी, जिसमें हरदा जिले के डीआरपी लाइन में पदस्थ आरक्षक को अवैध हथियार का परिवहन करते पकड़ा गया था, जिसे कब्जे में लेकर पूछताछ के बाद धंधे में लिप्त आरोपियों का पता चला, जिनसे अवैध हथियार बरामद हुए हैं। दरअसल मामला भिकनगांव थाना क्षेत्र का है, जहां हरदा जिले के आरक्षक रोहित यादव को पुलिस ने अवैध हथियार का परिवहन करते पकड़ा था। लिहाजा उक्त आरोपी से सघन पूछताछ के बाद पुलिस ने हरदा जिले से दो आरोपियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें पिस्टल, देसी कट्टे सहित जिंदा कारतूस शामिल है। इस दौरान मीडिया चर्चा के पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे ने बताया कि आरोपी से पूछताछ के बाद इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। वहीं अधिकारी ने यह भी बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है, जिसमें और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। बहरहाल अवैध हथियार के धंधे में लिप्त खाकी वर्दी का सरगना पुलिस गिरफ्तार में आकर परत दर परत अपने गोरख धंधे का राज उजागर करते दिख रहा है। खरगोन से तिवारी की रिपोर्ट। सर, आरक्षक द्वारा जो है अवैध हथियार की जो है ले जाने का मामला था, उसमें लेकर और कार्रवाई की गई, विशेष दल गठित किया था आपने, और उसमें जो ये पकड़ा गया था उसका पुलिस रिमांड लिया गया, उससे पूछताछ की गई, फिर उसने बताया कि हरदा में कुछ जगह पे उसने हथियार बेचे हैं। पुलिस टीम हरदा गई, हरदा पुलिस की मदद से वहाँ लोकल में दबिश दी, दो आरोपी और पकड़े गए हैं और इसमें चार पिस्टल, एक तख्ता और 62 राउंड ये बरामद हुए हैं। उसका भी और पुलिस रिमांड लिया गया है। कार्रवाई की इसमें अभी एक आपसे कई ठगी के लिए भी एक बालिका ने शिकायत की थी। ये बालिका ही थी ना? हाँ, उसने शिकायत की, उसकी हम जाँच करवाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।